आपने देखा होगा कि आपका जो मोबाइल है उसकी जो स्क्रीन है वो लॉक होती है, फिर भी आपका जो कंट्रोल पैनल है वो यहाँ पे कोई भी इसको यूज कर सकता है, इसके अंदर डेटा ऑन कर सकता है, जीपीएस ऑन कर सकता है या फिर ऑफ कर सकता है। यदि आप चाहते कि आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है जब लॉक हो तो आपका जो नोटिफिकेशन बार है उसको कोई भी यूज नहीं कर पाए तो उसको आप बंद भी कर सकते हैं। तो इसको बंद करने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो मोबाइल है उसकी जो सेटिंग है इसके अंदर जाना है और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है आइटम शो ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइप डाउन। तो यहाँ पे आप इसको बंद करना चाहते तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। बंद करने के लिए यहाँ पे आपको मिलता है कंट्रोल सेंटर जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको यहाँ पे आप बंद कर सकते हैं। अब क्या होगा कि आपका जो मोबाइल है उसकी जो स्क्रीन है जब भी आप लॉक करते हैं तो लॉक करने के बाद अब यदि कोई भी आपका जो ये कंट्रोल सेंटर है इसको यहाँ पे खोलता है तो यहाँ पे नहीं खुलने वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन है वहाँ से इसको बंद कर लिया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।